मतलब इससे तो सुन रहे थे तो अंदर में भी गुजारे हैं. एंड क्या था, अहमदनगर में हमने टैंक के साथ शूटिंग की थी. करीब 50 डिग्री का टेम्परेचर रहता था. डे नाइट यही टैंक पे बैठे रहते थे. मेरे और सनी सर की तो आधी बातचीत ही इस पर होती थी. एंड बहुत बहुत मेहनत की है सबने इस फिल्म को गदर बनाने में. और बाकी तो पब्लिक है, अपनी हिंदुस्तानी पब्लिक है, गदर को जिंदाबाद कर दिया है. एब्सोल्युटली सिमरन, दिस वन्स फॉर यू. प्लीज टेल अस, यू नो, टॉकिंग अबाउट द रिस्पांस. ऑफ कोर्स वी हैव सीन द मूवी इन द थिएटर्स. अब वेट कर रहे हैं घर पे आने का, जी सिनेमा पे आने का. तो ये जो रिस्पांस है, और मतलब शुरुआत में इतना सारा प्यार, तो कितना ओवरवेलमिंग था आपके लिए, या हाउ वाज इट, हाउ डिड यू टेक इट ऑल इन? इसको मैं एक ही वर्ड में बोलूंगी कि लोग मुझे सिमरत के नाम से जानते ही नहीं है, लोग मुझे सिर्फ मुस्कान के नाम से जानते हैं. तो आई थिंक इससे बड़ा सक्सेस हो नहीं सकता किसी भी एक्टर के लिए कि लोग उसको उसके कैरेक्टर के नाम से जानते. सो या, और ये जो टैंक का एक किस्सा है, आई थिंक जितने भी हमारे जवान है जो टैंक में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सैल्यूट है. बिकॉज जब आप इसके अंदर चले जाते हो ना, इसमें सिर्फ इतनी सी जगह है आपको बैठने के लिए, और उसमें आपको वॉर लड़नी है. तो वो बहुत डिफिकल्ट है. इतनी गर्मी में अंदर इतना सफोकेशन होता है. तो बिग चीयर्स फॉर जो हमारे जवान जो टैंक्स चलाते हैं. अमेजिंग, बहुत खास बात बोली है. तो भारत माता की जय.